हेलो चिल्ड्रन, हमने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कंप्लीट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, द सेंस ऑफ कॉलेक्टिव बिलोंगिंग। इस टॉपिक की शुरुआत मैं बाल गंगाधर तिलक के इस पिक्चर से कर रही हूँ। ये पिक्चर अर्ली 20th सेंचुरी में पेंट की गई थी, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इसके फ्रेम को आप नोटिस करिए, चारों तरफ आपको सिंबल ऑफ यूनिटी दिखाई देंगे, जैसे कि टेंपल, चर्च, मॉस्क्यू, भारत माता। मीन्स सब एक हैं और सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो यही है सेंस ऑफ कॉलेक्टिव बिलोंगिंग। तो लेट स्टार्ट। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद, तब स्प्रेड होता है, फैलता है, जब लोग ये बिलीव करने लग जाते हैं कि वो सेम नेशन यानी एक नेशन के हिस्से हैं। वैन दे डिस्कवर सम यूनिटी दे दैट बाइंड देम टुगेदर, जब वे सब मिल करके एक यूनिटी डिस्कवर करते हैं तो वो यूनिटी उन्हें और नज़दीक ला देती है, यानी आपस में जोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब नॉन कोपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ चल रहा था, तो सब लोग जो थे एकजुट थे और सब एक साथ मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल, एंड हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कॉलेक्टिव बिलोंगिंग। कैसे रियल में लोगों के माइंड में नेशन आया, एंड कैसे जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, अलग रीजन के रहने वाले और लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में ये डेवलप हुआ सेंस ऑफ कॉलेक्टिव बिलोंगिंग। दी सेंस ऑफ कॉलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब लोग एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, तो सेंस ऑफ कॉलेक्टिव बिलोंगिंग जो है उसी से उसका एक्सपीरियंस मिलता है। बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच अ नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। पर यहाँ जो है अलग अलग कल्चरल प्रोसेस भी हैं बहुत सारे, जिसके थ्रू जो है लोगों ने नेशनलिज्म को अपने ढंग से उसका इमेजिनेशन किया हुआ है। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल, ये सब चीज़ों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को बनाने में या नेशनलिज्म राइज करने में। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो सी चैप्टर वन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। फर्स्ट चैप्टर यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जर्मीनिया। जर्मीनिया जो फिगर या जो इमेज है वो जर्मनी के जो लोग हैं उससे अपने नेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअलाइज एसोसिएट विद द इमेज ऑफ भारत माता। ये 20th सेंचुरी का समय था, इंडिया में नेशनलिज्म राइज हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, और इस वक्त जो लोग थे वो भारत माता को अपने नेशन से और अपने आप को जोड़ रहे थे, एसोसिएट कर रहे थे। द इमेज वॉर फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भारत माता इमेज को सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट किया था। इन 1870 ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड। उन्होंने वंदे मातरम एक भजन लिखा 1870 में, मदरलैंड के लिए लिखा। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंदमठ। बाद में उन्होंने इस वंदे मातरम भजन को अपने नॉवेल आनंदमठ में इंक्लूड कर दिया। वंदे मातरम जो है फर्स्ट टाइम पब्लिकली 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में गाया गया था, और उसके बाद तो स्वदेशी मूवमेंट में बहुत गाया गया। ये स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में जो हुआ उसमें वंदे मातरम जो था वो इंस्पायरिंग भजन था, लोगों को काफ़ी इंस्पायर करता था फाइट फॉर फ्रीडम। फिर है रवि अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता का बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाया। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एसेटिक फिगर, सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता पेंटिंग बनाई वो फिगर एक तपस्वी फिगर है, और उसमें वो बहुत
शांत, दिव्य और उनका स्पिरिचुअल रूप दिखाई देता है। इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। जैसे जैसे समय बीतता गया, आज़ादी की लड़ाई बढ़ती गई, बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने ढंग से जो है भारत माता को पेंट किया और बहुत पॉपुलर भी हुए ये। तो डिवोशन टू दिस भारत माता फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म। इस तरह से भारत माता के लिए जो ये डिवोशन था इस फिगर को लेकर के, तो बाद में ये नेशनलिज्म का एक एविडेंस बन गया। नेक्स्ट है, फर्स्ट जो है नेशनलिज्म इंडियन लोगों में कैसे राइज हुआ। तो फर्स्ट था वंदे मातरम के थ्रू, सेकंड था भारत माता की जो पेंटिंग है उसके थ्रू। अब थर्ड है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप, मतलब नेशनलिज्म जो आइडिया है वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो थर्ड है इंडियन फोकलोर, यानी जो इंडियन लोकगीत हैं उनके थ्रू। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल संग बाय द बॉर्ड्स एंड दे टूड विलेज टूगेदर फोक सॉन्ग एंड लीजेंड। लेट 19th सेंचुरी में जो पोएट होते थे वो गांव गांव घूम करके जो ये फोक सॉन्ग थे, जो लीजेंड थे यानी स्टोरीज, लोक कथाएं जो होती थी, उन्हें गाते थे, सुनते थे और कलेक्ट भी करते थे, उनको रिकॉर्डिंग भी करते थे। दीज टेल्स दे बिलीव गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बिन करप्टेड एंड डैमेज बाई आउटसाइड फोर्स। इन सभी का ये बिलीव था, विश्वास था सभी लोगों का कि ट्रेडिशनल कल्चर ही ट्रू पिक्चर है इंडियन सोसाइटी का, जो कि करप्ट हो गया है या ख़त्म हो गया है, डैमेज कर दिया है। जो बाहर से फोर्सेस आए हैं, बाहर से जो शक्तियाँ आई हैं, इन्होंने इंडियन कल्चर को डैमेज कर दिया है। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वन पार्ट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो फोक ट्रेडिशन है इंडिया का, उसे प्रिजर्व किया जाए, यानी संरक्षित किया जाए, उसे संभाल कर रखा जाए, जो कि हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको बचाए रखेगा और एक जो है सभी लोग अपने पास्ट के ऊपर उस पर गर्व कर सकेंगे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कितनी सुपीरियर है। टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेट नर्सरी राइम्स एंड मैथ्स। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो बैलेट्स, मीन लॉन्ग सॉन्ग होता था जिसमें स्टोरी को गा करके बताया जाता था, वो छोटे बच्चों की पोएम्स और जो पौराणिक कथाएं थी उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड लेट द मूवमेंट फॉर फोक फोक रिवाइवल। इस तरह से जो ये फोक टेल्स या फोकलोर था जिसने कि नेशनलिज्म को और मजबूती दी। इन मद्रास, जिस तरह से बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो कलेक्ट कर रहे थे, तो मद्रास में भी नातेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स फोक लोर ऑफ साउथर्न इंडिया। उन्होंने तमिल कलेक्शन फोक टेल्स का पब्लिश किया। ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वॉज अ नेशन लिटरेचर। उनका मानना था जो ये फोकलोर है वो नेशन लिटरेचर है एंड इट वॉज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थाट एंड कैरेक्टरिस्टिक। उनका मानना था कि ये बिल्कुल जो फोक टेल्स होती हैं या जो भी है लोक कथाएँ, लोकगीत जो भी हैं, वो एकदम ऑनेस्टली लोगों के द्वारा बोली गई विचार होते हैं, एकदम सच्चे भाव से उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसीलिए ये नेशनलिज्म को बहुत इंस्पायरिंग करती हैं। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर टू सच आइकॉन्स एंड सिंबल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो और ज़्यादा अवेयर हो रहे थे किसको लेकर के, जो आइकॉन्स थे, सिम्बल्स थे इंडिया के, उन सबको लेकर के, ताकि इन सब के थ्रू लोग जो है वो यूनाइट होंगे, एक साथ होंगे और नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर जागृत होगी कि देखो हमारा पास्ट कितना शानदार था, हमारा इतिहास, और उससे लोग इंस्पायर होंगे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइंड। जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उसमें ट्राई कलर फ्लैग यानी 3 रंग का एक फ्लैग डिजाइन किया गया। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश डिजाइंड। इस फ्लैग के अंदर जो है 8 लोटस दिखाए गए थे जो ब्रिटिश के 8 जो प्रोविंसेस थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड अ क्रेसेंट मून
रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, और उस पर एक अर्ध चंद्र था, रिप्रेजेंट करता था हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी को। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस वक्त गांधी जी ने एक फ्लैग डिजाइन किया जिसका नाम था स्वराज फ्लैग। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, ये फिर दोबारा तीन रंग में था कलर, रेड ग्रीन एंड वाइट। जबकि बंगाल में जो फ्लैग डिज़ाइन किया गया था उसमें येलो कलर था, तो इस यहाँ पर येलो की जगह व्हाइट कलर यूज़ किया गया है। हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और इस फ्लैग पर लोटस नहीं थे, इस फ्लैग पर जो बीच में चरखा था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल्स ऑफ सेल्फ हेल्प। जो ये चरखा था वो गांधी जी के विचारों को रिप्रेजेंट करता था, यानी सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, यानी अपनी सहायता खुद करो। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट्स अलोफ ड्यूरिंग मार्च बिगेम अ सिंबल ऑफ द डिफेंस। ये फ्लैग जो था लोग होल्ड करते थे, पकड़ते थे मार्च पास के समय, और ये लोगों को अपने डिफेंस का सिंबल बन गया था। नेक्स्ट है अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब दूसरा जो है चीज़ क्या था जो कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग दे रहा था, वो था वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास को री इंटरप्रेट किया जाए, यानी दोबारा उसको लिखा जाए, कैसे हमारा इतिहास था उसे भूला ना जाए। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मेनी इंडियन बिगिन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन इन बहुत सारे जो 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो इंडियन थे उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि हमें अपने नेशन पर गर्व होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग ढंग से सोचा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सॉ इंडियन एज अ बैकवर्ड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देम सेल्फ, एक तरफ जहाँ अंग्रेज सोच रहे हैं कि इंडियन लोग तो बहुत ही बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, मीन्स आदि मानव काल के हैं, एंड अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए कैपेबल नहीं है। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन लुकिंग इन टू द पास्ट एंड डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। तो जो बहुत सारे इंडियन थे उन्होंने पास्ट की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया, बैक में, कि कौन कौन सी अचीवमेंट हमारी हुई थी एंसेंट पीरियड में, कौन कौन सी डिस्कवरी इंडियन लोगों ने एंसेंट पीरियड में की थी। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द एंसेंट टाइम, उन्होंने एंसेंट टाइम में जो हमारा शानदार डेवलपमेंट था उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश की। एंसेंट पीरियड में ये सब चीज़ें जो थी काफ़ी डेवलप थी, फल फूल रही थी। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर, तो बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे उन्होंने ये भी लिखा कि हमारा इतिहास, कि इंडियन भूलो मत, हमारा इतिहास बहुत ही शानदार था, उस पर गर्व करो। एंड द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाई अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। हमारा तो वैन इंडियाज वॉज कॉलोनाइज, हमारे ये शानदार समय का अंत तब हुआ, या ये न्यूज शानदार समय का पतन तब हुआ जब इंडिया को कॉलोनाइज किया गया, यानी गुलाम बना लिया गया, ब्रिटिश ने बनाया हमें। द दीस नेशनलिस्ट हिस्टोरिक अस द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडिया ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे इन्होंने रीडर्स को इंस्पायर किया कि गर्व करो, हमारा एंशेंट टाइम में हमारा अचीवमेंट बहुत ही ग्रेट था, और अब समय आ गया है स्ट्रगल करने का और चेंज करने का इस माइजरेबल कंडीशन को जो कि अंग्रेजों ने बना दिया है। दीज एफर्ट्स ऑफ यूनिटी पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। वैन द पास्ट बींग ग्लोरीफाई वॉज हिंदू, वैन द इमेज सेलिब्रेट वर ड्रॉन फ्रॉम द हिंदू आइकोनोग्राफी, मतलब द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी फेल्ट लेफ्ट आउट। जब हिंदू कम्युनिटी ने अपने इमेज को, अपने शास्त्रों का ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया, तो दूसरी कम्युनिटी के लोग जो हैं ऐसा फील कर रहे थे कि वो बाहरी हैं। अब ये इस चैप्टर का लास्ट मैं पढ़ रही हूँ, कंक्लूजन। इसमें क्या था कि जैसी जैसी 20th सेंचुरी आ रही है तो इंडिया में ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, लोग जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, और उनके अंदर नेशनलिज्म भी आ गया है। लोग जो है अब उनका एक ही मकसद था, कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ना इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। और कांग्रेस के लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके, पर साथ ही साथ ये भी चाह रहे थे कि सब लोगों में यूनिटी बनी रहे।
डाइवर्स ग्रुप क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. अलग अलग ग्रुप के लोग, हर क्लास के लोग जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे. जैसे कि हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पढ़ा, रिच पीसेंट्स, पुअर पीसेंट, सभी लोगों की अपने अलग अलग एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन थे. सब लोगों का लेकिन एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन भले ही अलग था, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही था, और वो था फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, यानी कि कॉलोनियल रूल से आज़ादी पाना, अपने देश की आज़ादी पाना. द कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली जो था अटैम्प्ट टू रिसॉल्व डिफरेंसेस. कांग्रेस जो थी वो डिफरेंस कम्युनिटी में जो झगड़े थे उन्हें चाहती थी ख़त्म कर देना, ताकि वो एक ग्रुप के डिमांड को अगर पूरा करे तो दूसरा उसको एलिनेटेड ना समझे. लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी क्यों यूनिटी अंत में टूट गई, क्यों नेशनलिज्म इतना रईज होने के बाद भी डिसयूनिटी रही और कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहा लोगों के बीच में, लास्टली देश का बंटवारा ही हुआ. तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. एंड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ इस टॉपिक से, तो नोट डाउन द क्वेश्चन. हाउ डिड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म डेवलप अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, गिव 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट है, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग एंड वॉट वर द फीचर ऑफ द फ्लैग, हाउ वॉज इट यूज एज अ सिंबल ऑफ डिफेंस. फिर नेक्स्ट लास्ट है, हाउ डिड द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, गिव 4 पॉइंट. थैंक यू चिल्ड्रन.